हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जिम गाइड वंस अगेन। दोस्तों, मैंने हैपाग में ऑनलाइन रेट कैसे चेक करते हैं इसकी वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, लेकिन अभी यहां पे एक बहुत ही अच्छा अपडेट हैपाग की तरफ से दिया गया है। तो यहां पे न्यू कोड 2.2 बेटा वर्जन यहां पे लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैपाग का 2.2 बेटा वर्जन क्या है, ये कैसे काम करता है, यहाँ पे आप किस प्रकार से रेट चेक करेंगे और इसमें आपको रेट चेक करने से क्या बेनिफिट होगा, यानी क्या एडवांटेज है पहले की कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिपिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। दोस्तों, इसके लिए हम हैपाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। हम ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है। लॉगिन करने के बाद होम पेज कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम सीधे कोर्ट में चलते हैं, आपका टाइम खराब किए बिना। यहाँ पे कोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप न्यू कोर्ट में जाएंगे। अब जैसे ही आप न्यू कोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर आपको एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा, स्विच टू न्यू कोर्ट 2.0 बीटा। तो ये यहाँ पे वर्जन इनका लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। पहले जो प्रॉब्लम थी उसको फिक्स किया गया है, तो इसको हम सिंपली यहाँ पे स्विच कर लेंगे। अब जैसे ही हम उस पे स्विच करेंगे तो यहाँ पे देखिए, स्विच टू प्रीवियस वर्जन पे भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से भी आप रेट चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपली अपना लोकेशन डाल देना है, कोई भी आप एक लोकेशन ले लेंगे। हमने अभी यहाँ पे सिंगापुर टू जेवल अली डाल देते हैं। और यहाँ पे आपको डोर से अगर चाहिए तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए, अदरवाइज सिवाय में आप सेकंड ऑप्शन रहने दीजिए। उसके बाद आप रेट की वैलिडिटी कब से चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हमें दिसंबर का यहाँ पे रेट चाहिए, तो हमने 1 दिसंबर डाल दिया है कि हमें 1 दिसंबर के बाद वैलिड फ्रॉम 1 दिसंबर यहाँ पे रेट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप कंटेनर सेलेक्ट कर लेंगे, किस कंटेनर का आपको रेट देखना है 20, और इधर आप कार्गो का वेट डाल देंगे केजी में। अगर आपका कार्गो डेंजर है या अल्टरनेटिव कंटेनर साइज है तो आप यहां पे इसको चूज कर सकते हैं। पहले देखिए, ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलते थे, ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको डीजी रेट भी चाहिए तो आप डीजी में क्लिक करके और यहां पे यूएन नंबर डालेंगे तो आपको रेट मिल जाएगा। अब उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन डाल के आपको सिंपली सर्च करना है। अब देखिए, इस वर्जन का जो सबसे अच्छी बात है ये है कि यहाँ पे आपको क्विक कोट एंड क्विक कोट स्पॉट बोथ आप एक ही जगह पे देख पाते हैं। इसके पहले आपको 2 बार अलग अलग चेक करना पड़ता था, एक बार आप क्विक कोट पे चेक करते थे, एक बार क्विक कोट स्पॉट में चेक करते थे। अभी ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे ऊपर क्विक कोट का रेट देख सकते हैं और नीचे आप क्विक कोट स्पॉट का रेट देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जिनमें एक क्रॉस बना है उस पे आपको अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो 10 तारीख की बेसल है, यहाँ पे ऊपर देखिए रेट आपको दिखाई दे रहा है, स्पॉट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे 11 दिसंबर के दो जो बेसल है उस पे क्विक कोट यहाँ पे देखिए 942 है और स्पॉट का 742 यानी कम है। इसके अलावा 12 के जो बेसल है अवेलेबल नहीं है, 16 में क्विक कोट में अवेलेबल है, स्पॉट में अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और यहीं पे जान सकते हैं किस पे अवेलेबल है या नहीं है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। अब देखिए, अगर आपको जो भी रेट चाहिए, सपोज आपको ये वाला सस्ता है, कम आपको दिख रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, वैलिड फ्रॉम ये दिया हुआ है, इतना रेट है, इधर इतना है। अब अगर आपको इसको बुकिंग चाहिए तो आप यहाँ पे प्राइस ब्रेक डाउन करके इसको डिटेल देख सकते हैं कि रेट कितना है, फ्रेट प्लस लोकल चार्जेज, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। कैंसिलेशन फी भी लगता है, नो थो फी, अमेंडमेंट फी, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आपको इस पे बुकिंग लेना है तो आप इसको सिंपली सेलेक्ट करके और नेक्स्ट पे चले जाएंगे और आगे आपको बुकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप बुकिंग कर पाएंगे। अब अगर आपको डिटेंशन डिमोरेज देखना है तो यहां से आप सीट डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा, क्योंकि पहले आपका टाइम ज़्यादा लगता था, अभी
न्यू अपडेट आने के बाद आपको अवेलेबिलिटी भी पता चल जाएगी, साथ में दोनों का रेट आपको एक साथ दिख जाएगा, जिससे आपका काफी ज्यादा टाइम बचेगा। एंड होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।